नाम गुलशन सहगल है और मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि अरमान सहगल मेरा बेटा जिसके अभी स्कूल में डेथ हुई है वो जीडी गोयनका इंदिरापुरम स्कूल का स्टूडेंट था। वो 6 साल से उस स्कूल में जा रहा था। हम ब्लाइंडली उस स्कूल के मैनेजमेंट पर ट्रस्ट कर रहे थे और आज की डेट में स्कूल की मैनेजमेंट इस घटना की कोई भी जिम्मेदारी देने से बच रही है और एट द सेम टाइम उनका आज भी जो है वो एटीट्यूड एरोगेंट है। आप देखिए, मैं जीडी गोयनका इंदिरापुरम स्कूल के सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो चेयरमैन अंकुर मल्होत्रा और कविता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका वीडियो जो देखिए एंड अपने आप आज आप जज करिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एरोगेंस, क्या आपके बच्चे को जो उसको सेफ्टी चाहिए वो सेफ्टी दिला पाएगा। एक हादसा ऑलरेडी हो चुका है। हम नहीं चाहते कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कोई और पेरेंट उस दौर से गुजरे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जाइए, देखिए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एटीट्यूड देखिए, स्कूल में जाकर के सर्वे करिए, पूरा उनको चेक करिए, मेडिकल रूम देखिए एंड देन डिसाइड करिए कि वो स्कूल क्या लायक है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए। एजुकेशन माइट बी सेकेंडरी बट लाइफ इज़ प्राइमरी। आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी पहले देखनी है, एजुकेशन बाद में देखनी है। और सिर्फ जीडी गोयनका इंदिरापुरम क्यों, ऐसी जितनी भी कमर्शियल दुकानें हैं मेरी सब और इंडिया में सारे स्कूल जो ऐसे चल रहे हैं और उसके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इतना पैसा दे करके, अपने खून पसीने की कमाई लगा करके पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चे की अगर सेफ्टी नहीं है तो वो स्कूल मेरे हिसाब से यूजलेस है। उस स्कूल में पढ़ाने के बजाय बच्चे को घर पर बिठा लेना ज़्यादा अच्छा है। Myself Swati Sehgal, I am the mother of Armaan Sehgal, late Armaan Sehgal, who died on 1st of August this year. It's been 15 days now and Armaan is still with us. I don't feel that he has gone somewhere else. मेरे घर में है वो, मेरे साथ है, मेरी फैमिली का पार्ट है और हमेशा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसकी कमी फिजिकली महसूस कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि किसी भी तरीके से अपने बच्चे को सेव किया जाए। इन बड़े बड़े ब्रांड्स के स्कूल्स में भेजना अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा फील गुड आता था जब मैंने उसका एडमिशन कराया था आज से 6 साल पहले, 2011 में वो गया था फर्स्ट टाइम स्कूल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैंने एक बड़े अच्छे ब्रांड में उसका एडमिशन कराया है, बड़े अच्छे लोगों के हाथ में मैंने उसको सौंपा है। लेकिन आज 6 साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से आपको चाहे छोटे स्कूल में कराइए चाहे गवर्नमेंट स्कूल में कराइए, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए कंसर्न ज़रूर होइए। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने किया है मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है, पूरा पूरा आभास है मुझे कि मैंने उसको इस स्कूल में भेज के गलती करी और मैंने स्कूल की मैनेजमेंट पर पूरा पूरा रिलाई किया, भरोसा किया। उन्होंने मुझे झूठे झूठे दिलासे दिए। मैं हर महीने मिलने जाती थी ऑलमोस्ट प्रिंसिपल कविता शर्मा से, उन्होंने झूठ बोल बोल के कि मैं आपके बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, बल्कि वो तो मेरे छोटे बेटे का भी चाहती थी कि मैं वहीं पर ही एडमिशन कराऊँ, जो कि मैं इंटरनली नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल के अंदर कमियाँ हैं। बट मैं भी कहीं ना कहीं टाइम दे रही थी कि ठीक हो जाएगा, सारा सिस्टम है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जो कि इवेंचुअली हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे का ध्यान रखिए, जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहाँ पे सारे चीज़ें चेक करिए। मेडिकल रूम हम लोगों ने जब चेक किया था, इनिशियली चेक किया था, तब भी हमें बहुत सारी गलतियाँ पाई थी हम लोगों ने, हमने कंप्लेन भी करी थी इस चीज़ की कि आप इसको ठीक करिए, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया हमारी बात को और इवेंचुअली वही मेडिकल रूम मेरे बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार बना। मौत का ज़िम्मेदार वहाँ पे इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चल रहा था, कोई MBBS डॉक्टर नर्स कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक झलावा था हम लोगों की, एक आई वॉश करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक नेम से एक मेडिकल रूम बना के रखा था जिसका कि कोई मतलब नहीं था। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा अरमान तो देखिए आज 15 दिन हो गया है, चला गया है, मेरा दुख मेरे साथ है, मैं उसको हमेशा अपने साथ रखूँगी, वो मेरी फैमिली का पार्ट है, फिजिकली चला गया है, लेकिन आपके बच्चे आज और हमेशा आपके साथ रहें। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सेव योर चिल्ड्रन, प्लीज़ बी विद देम, प्लीज़ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज यू नो मनी मिंटिंग मशीन्स। ये जितना पैसा मांगते हैं हम इनको तभी देते हैं, ये डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, हम पॉजिटिव ऑफ टाइम अपनी नौकरी पेशे की वजह से हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जहाँ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं ये हमसे माफ़ीनामे लिखवाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, आप
थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, इनके हाथों में मत सौंपिए। आज मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है, प्रशासन शासन मुझे धक्के खिला रहा है, आप इससे मिलिए, आप उससे मिलिए, ये होगा, हमें जो जैसा कोई बोलता है हम वैसा करते हैं। आप अपने व्यूज दीजिए, आप SSP से मिलिए, आप DM से मिलिए। देखिए मिलना मिलाना सब ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आज कोई काम नहीं हो रहा। अंकुल मल्होत्रा अपना हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। किसकी नैतिक जिम्मेदारी है? मेरा एक सवाल है जो मेरा बच्चा मुझसे पूछता है और मैं आपसे पूछती हूँ कि किसकी जिम्मेदारी है? अगर बच्चा हम स्कूल बस में चढ़ा रहे हैं, अपने घर से उसको विदा करके चढ़ा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसका? बच्चा खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं जो कि हम घर पे बैठे हैं, या स्कूल जिम्मेदार है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको सौंप रहे हैं? प्रिंसिपल जिम्मेदार है, स्कूल का चेयरमैन जिम्मेदार है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है, क्लास टीचर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? मुझे इस बात का जवाब आज 15 दिन तक नहीं मिला। मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरे बच्चे की मौत किस हालात में हुई है, कहाँ पर हुई है, कौन सी जगह पर हुई है, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस दौर से किसी भी कोई भी माँ गुजरे, कोई भी पिता इस टॉर्चर का सामना करे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने लेवल पे जितना कॉन्शियस हो सकते हैं हो जाइए एंड अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।